हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे इन दिस वीडियो वी लर्न नियर द नर्सिंग फाउंडेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचर ऑफ इन्फेक्शन एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी प्रिपेयर एयर वेरी सिंपल एंड इजी नर्सिंग फाउंडेशन नोट्स फॉर स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, नेचर ऑफ इन्फेक्शन एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। यह इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट VSC नर्सिंग सिलेबस का यूनिट नंबर 11 है। इसके अंदर आप देखते हैं फर्स्ट नेचर ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ इन्फेक्शन। इसमें सबसे पहले इन्फेक्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एन इन्फेक्शन इज एन इन्वेशन ऑफ द बॉडी बाय पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज। इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेल टू कॉज सीरियस इंजरी टू सेल और टिश्यू द इन्फेक्शन इज एसिम्प्टोमेटिक। मीन्स इन्फेक्शन मीन्स जब हमारे शरीर में कोई भी पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर जाए, इन्वेशन मीन्स प्रवेश करना, तो हम उसको इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इफ़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेल टू कॉज सीरियस इंजरी टू सेल द इन्फेक्शन इज एसिम्प्टोमेटिक। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए और हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, मीन्स वहाँ किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस क्षति नहीं पहुँचाए और इसमें जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं वो दिखाई नहीं दें, तो इसको हम एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द डिजीज रिजल्ट्स इफ द पैथोजेंस मल्टीप्लाई एंड कॉज एन अल्टरेशन इन द नॉर्मल टिश्यू। मीन्स यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं और ये मल्टीप्लाई करें, इसके कारण जो हमारे नॉर्मल सेल है उनमें बदलाव आएगा। अल्टरेशन इन द नॉर्मल टिश्यू नॉर्मल सेल मीन्स जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करें और हमारे नॉर्मल सेल को बदलें, बदलाव करें, उनको इंजरी पहुँचाए, तो इसको हम डिजीज प्रोसेस के नाम से जानते हैं। दिस इज द डिजीज और दिस इज द सिम्टोमेटिक। इफ द इन्फेक्शन डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज कम्युनिकेबल और कंटेजियस डिजीज। मीन्स जब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे स्थान पर दूसरे पर्सन को पहले लगे, तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लाइंट इन ऑल हेल्थ केयर सेटिंग्स आर एट रिस्क फॉर एक्वायरिंग इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ द लोअर रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो मरीज होता है इन हेल्थ केयर सेटिंग्स मीन्स हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सेटिंग्स मीन्स हॉस्पिटल में, एट रिस्क फॉर एक्वायरिंग इन्फेक्शंस मीन्स उसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि उसके इन्फेक्शन जल्दी लग सकता है, वो इन्फेक्शन को जल्दी गेन करता है, प्राप्त करता है, बिकॉज लोअर रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसका कारण है कि जो व्यक्ति है हॉस्पिटल में उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, बहुत कमजोर है, इसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स नेचर ऑफ इन्फेक्शन। इसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से शरीर में जाकर असिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक और डिजीज प्रोसेस कॉज करते हैं, और इसमें हमने इन्फेक्शन के लाइट इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन डज नॉट मीन दैट द इन्फेक्शन विल बिगिन डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शस अकर इन ए साइकिल दैट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग इवेंट्स। मीन्स यदि हमारे शरीर में द प्रेजेंस ऑफ
पैथोजेंस, यदि हमारे शरीर में पैथोजेंस प्रेजेंट है तो उसका मीन्स ये नहीं है कि इन्फेक्शन हो गया। मीन्स इन्फेक्शन का कॉज होगा जब ये जो पैथोजेंस है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैले, किसी व्यक्ति को बीमारी कॉज करें, कम्युनिकेबल डिजीज करें, और ये व्यक्ति के शरीर में डेवलप हो, उसके नॉर्मल टिश्यूज को अल्टर्ड करें, तो ये इन्फेक्शन कहलाता है, जो एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इस इन्फेक्शन साइकिल को पूरा करते हैं। एयर इन्फेक्शन अकर इन ए साइकिल दैट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजेंस मीन्स रोग कारक एजेंट। सेकंड ए रिजर्वायर और सोर्स ऑफ पैथोजन ग्रोथ्स मीन्स जहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स जो बैक्टीरिया पैथोजेंस रिजर्वायर से बाहर निकलते हैं एग्जिट। नंबर फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स उनके फैलने का मोड क्या है। और नंबर फिफ्थ पोर्टल ऑफ एंट्री मीन्स किस तरह से वो होस्ट में प्रवेश करते हैं। और नंबर सिक्स ए ससेप्टिबल होस्ट मीन्स सुग्राही होस्ट मीन्स जो आसानी से इन्फेक्शन को गेन करे। तो इस तरह से एक इन्फेक्शन साइकिल को इन्फेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करता है, और एक इन्फेक्शन ये फैलने का मुख्य तरीका है। फर्स्ट देखते हैं इसमें हम अभी देखा था जैसे इन्फेक्शन का साइकिल, दिस इज इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजेंस मीन्स बैक्टीरिया वायरस और जो भी ऑर्गेनिज्म है। सेकंड रिजर्वायर मीन्स जहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट्स पैथोजेंस अपनी संख्या में वृद्धि करें, वहाँ पले बढ़े। नेक्स्ट पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स रिजर्वायर से बाहर आने का स्थान, मीन्स किस तरह से वो बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस रिजर्वायर से बाहर निकलेंगे। देन नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स किस तरह से वो बाहर आकर फैलेंगे, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इस तरह से। नेक्स्ट पोर्टल ऑफ एंट्री मीन्स किस तरह से इन्फेक्शियस एजेंट्स होस्ट में एंटर करते हैं, दिस इज द पोर्टल ऑफ एंट्री। देन नेक्स्ट ससेप्टिबल होस्ट मीन्स किन पर्संस में आसानी से इन्फेक्शन लगता है, कौन आसानी से इन्फेक्शन को गेन करते हैं। मीन्स एक सुग्राही, एक अच्छा होस्ट जो इन्फेक्शन को प्रोसेस करता है। तो इस तरह से एक इन्फेक्शन साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट होता है रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड होस्ट। तो ये सारे एक इन्फेक्शन साइकिल या ट्रांसमिशन चेन ऑफ इन्फेक्शन को कंप्लीट करता है। दिस इज इम्पोर्टेंट डायग्राम जो हमको एग्जामिनेशन में बनाना है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं जो भी हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस एजेंट्स। एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया वायरस फंजाई एंड प्रोटोजोआ मीन्स ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। रोग कारक जीवाणु जिसमें बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजोआ पैथोजेंस के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ए पोटेंशियल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट टू कॉज डिजीज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजीज फैलाना, डिजीज कॉज करना निम्न फैक्टर पर निर्भर करता है, जिसमें सफिशियंट नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या अच्छी है तो इस वो आसानी से इन्फेक्शन को कॉज करेंगे। विरुलेंस और एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्षमता डिजीज कॉज करने का। नेक्स्ट एबिलिटी टू एंटर एंड सर्वाइव इन द होस्ट मीन्स उनका होस्ट में प्रवेश करना और सर्वाइव करना, मीन्स अपनी संख्या में वृद्धि करना, जीवित रहना। और ससेप्टिबल होस्ट, होस्ट कैसा है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है इन्फेक्शन कॉज करना। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर इज वेयर द पैथोजेंस कैन सर्वाइव बट मे और मे नॉट मल्टीप्लाई। रिजर्वायर मीन्स जहाँ पर
पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सरवाइव करते हैं, या तो वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं या वहीं वो पड़े रहते हैं। द मोस्ट कॉमन रिजर्वायर इज द ह्यूमन बॉडी, सबसे सामान्य रिजर्वायर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें रहते हैं वृद्धि करता है वो है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। ए वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द स्किन एंड विद द बॉडी कैविटीज, फ्लूड डिस्चार्ज, मीन्स बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मनुष्य उसके स्किन पर होते हैं, उसके शरीर में, बॉडी कैविटीज में, फ्लूड में, डिस्चार्ज में वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, एनिमल फूड्स, वाटर, इंसेक्ट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो रिजर्वायर फॉर द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, मीन्स जानवर हो गए, फूड हो गए, वाटर, कीड़े मकोड़े, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिजर्वायर होता है। मीन्स यहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिजर्वायर, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एस्चेरिया कोलाई, ये सबसे अधिक इसकी संख्या कोलोन में पाई जाती है। नेक्स्ट, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसके सबसे अधिक संख्या स्किन हेयर एंटीरियर नेयर्स में पाई जाएगी, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम ब्लड में एंड हेपेटाइटिस बी ब्लड एंड बॉडी फ्लूड्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से जो उनका एक मुख्य रिजर्वायर है, जैसे कि इकोलाई का कोलोन एक मुख्य रिजर्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड, चेन ऑफ ट्रांसमिशन का, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का, पोर्टल ऑफ एग्जिट। यार पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वायर से किस तरह से बाहर निकलते हैं, किस तरह से। नेक्स्ट, आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड ए साइट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, दे मस्ट फाइंड ए पोर्टल ऑफ एग्जिट इफ दे आर टू एंटर अनदर होस्ट एंड कॉज डिजीज, मीन्स जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वायर में रहते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसी के साथ साथ वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और वो वहाँ से निकलने का, पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, किस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलेंगे, मीन्स एक स्थान से दूसरे होस्ट में जाने का प्रयास करेंगे। दिस इज द पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिजर्वायर से बाहर निकलने का, फैलने का तरीका, रास्ता। यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिट थ्रू ए वेराइटी ऑफ साइट्स जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ब्लड्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पोर्टल ऑफ एग्जिट मेनली जो मानव शरीर के स्किन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, यूरिनरी ट्रैक्ट से, थ्रू यूरिन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, थ्रू फीकल ऑरल रूट और थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ब्लड। तो ये सारे पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर से बाहर की तरफ निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नंबर फोर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मीन्स देर आर मैनी मोड्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिजर्वायर टू होस्ट, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिजर्वायर से होस्ट तक पहुँचना, मीन्स दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मीन्स कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रिजर्वायर से, होस्ट, पोर्टल ऑफ एग्जिट से निकल कर होस्ट तक पहुँचेंगे। तो इसमें देखते हैं रूट्स एंड मीन्स एयर। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मीन्स कॉन्टैक्ट संपर्क से डायरेक्ट मीन्स पर्सन टू पर्सन, फीकल ओरल फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सोर्स एंड ससेप्टिबल होस्ट, एग्जाम्पल टचिंग क्लाइंट, एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस ए वायरस, सीजेला वायरस, स्टेफाइलोकोकस वायरस, अर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संपर्क से मीन्स डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, इसमें बताया गया है फीकल ऑरल रूट या फिजिकल कांटेक्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पर्सन से दूसरे स्थान पर
डायरेक्ट कांटेक्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो मीन्स जैसे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्ट टच करेगा तो वो अपना इन्फेक्शन उसको दे सकता है। तो इसमें मुख्य एग्जांपल हैं, हाँ, हेपेटाइटिस ए वायरस, सीजेला वायरस, स्टेफेलोकोकस हर्पीज। नेक्स्ट नंबर बी, इनडायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट ऑफ द ससेप्टिबल होस्ट विद कंटेमिनेटेड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जब इन्फेक्शन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, मीन्स डायरेक्ट नहीं फैल रहा हो, मीन्स डायरेक्ट टचिंग से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं फैल रहा हो, जैसे कि नीडल हो गया, शार्प ड्रेसिंग्स, जो मुख्य ट्रांसमिशन होगा हेपेटाइटिस बी वायरस का, स्टेफेलोकोकस वायरस का। मीन्स ये सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे नीडल हो गया, ड्रेसिंग हो गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिजर्वायर करते हैं, देन जब भी कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट नंबर सी देखते हैं, ड्रॉपलेट। फर्स्ट पढ़ा था हमने डायरेक्ट कांटेक्ट, नंबर बी इनडायरेक्ट कांटेक्ट, नंबर सी ड्रॉपलेट। ए लार्ज पार्टिकल दैट ट्रेवल अप टू 3 फीट एंड कम इन द कॉन्टेक्ट विद द ससेप्टिबल, एग्जाम्पल कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग। जो मीजल्स वायरस, इन्फ्लुएंजा एंड रूबेला वायरस को फैलाने में मदद करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स जो छोटी छोटी पानी की बूंदें जो ट्रेवल करती है अप टू 3 फीट, जो ड्यूरिंग स्नीजिंग, टॉकिंग, कफिंग, मीन्स खांसते समय, बातचीत करते समय, छींकते समय, ये पानी की छोटी छोटी बूंदें एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसमिट होती हैं, और जो मुख्यतः मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, रूबेला वायरस को ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। तो ये था कॉन्टेक्ट, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ड्रॉपलेट पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, एयर। यह ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और रेजिड्यू एवापोरेट ड्रॉपलेट सस्पेंड इन द एयर, एग्जाम्पल कफिंग, स्नीजिंग और कैरिड ऑन द डस्ट पार्टिकल्स, एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स, एस्परजिलस। तो दूसरा एयर, एयर के थ्रू मीन्स जब ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो खांसते छींकते समय हवा में सस्पेंड होते हैं और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में, जैसे किसी ने छींका और ये ड्रॉपलेट्स हवा के थ्रू एक दूसरे होस्ट तक पहुंच रहे हैं मीन्स किसी भी वे में। तो इसका मुख्य कारण है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स, एस्परजिलस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड, व्हीकल। इसमें कंटामिनेटेड आइटम द्वारा इन्फेक्शन का फैलना, दूसरा फूड जैसे वाटर बिब्रियो कोलेरी को फैलाता है, नेक्स्ट ड्रग सॉल्यूशंस, सीडोमोनास ब्लड, हेपेटाइटिस सी, फूड इम्प्रॉपरली हैंडल्ड स्टोर्स और कुक्ड फ्रेश और थ्रॉड मीट्स, ये साल्मोनेला, सीजेला, कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। तो ये सारा व्हीकल्स हो गया, मीन्स दवा जो भी डिस्कार्डेड मेडिकेशंस है, वाटर, ब्लड, फूड, स्टोर्स फूड्स। नेक्स्ट वेक्टर, वेक्टर में देखते हैं यार एक्सटर्नल मैकेनिकल ट्रांसफर, फ्लाइज मीन्स मक्खियों द्वारा एक तरह से जो इन्फेक्शन होगा वो किस वाहक द्वारा फैलेगा, जिसमें फर्स्ट अभी देखा था जैसे वेक्टर में एक्सटर्नल मैकेनिकल ट्रांसफर जो फ्लाइज द्वारा होता है, जो मुख्यतः विब्रियो कोरोली डिजीज को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इंटरनल ट्रांसमिशन सच पैरासाइटिक कंडीशन बिटवीन वेक्टर एंड होस्ट सच एज मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, लाउस, रिकेट्सियस टाइफी, फ्लाई, वेरिसेना पेस्टिस, प्लेग।
इंटरनल ट्रांसमिशन पैरासाइटिस जो वेक्टर द्वारा फैलते हैं, जैसे मॉस्किटो का हो गया, लाउस का हो गया, फ्लाइज का। तो इस तरह से डिफरेंट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन थे, जिसमें हमने कांटेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ड्रॉपलेट, एयर में ड्रॉपलेट्स एंड व्हीकल्स में जो भी वाक हैं, फ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, पोर्टल ऑफ एंट्री में ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द बॉडी थ्रू द सेम रूट्स दे यूज फॉर एग्जिटिंग, मीन्स जिस जगह से हमारे शरीर में बैक्टीरिया एग्जिट होते हैं, रिजर्वायर से, जैसे कि बताया था हमने, जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, यूरिन सिस्टम के थ्रू, स्किन के थ्रू, माउथ, नोज के थ्रू। तो सेम वे में इन्हीं स्थानों से ये दूसरे व्यक्ति में एंटर होते हैं। तो दिस इज द पोर्टल ऑफ एंट्री, मीन्स होस्ट में बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटर होने का स्थान या एंटर होने की जगह। तो इसमें हमको सेम रूट्स लिखने हैं जो भी हमने पढ़े थे, पोर्टल ऑफ एग्जिट में, जहाँ से बैक्टीरिया हमारे शरीर में निकलते हैं, और पोर्टल ऑफ एंट्री में उसी स्थानों से बैक्टीरिया दूसरे होस्ट में एंटर करेंगे। नेक्स्ट, ससेप्टिबल होस्ट, वेदर ए पर्सन एक्वायर एन इन्फेक्शन डिपेंड ऑन ससेप्टिबिलिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट। ससेप्टिबिलिटी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्सन। ए पर्सनस नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एज वेल एज द नंबर ऑफ अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस। पर्सनस रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शियस एजेंट्स इज एनहांस्ड बाई द वैक्सीन और एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज। ससेप्टिबल होस्ट मीन्स एक तरह से हिंदी में बोलेंगे सुग्राही होस्ट, मीन्स आसानी से इन्फेक्शन इन पर्सन को लेगा, उसको बोलेंगे ससेप्टिबल होस्ट। तो वेदर ए पर्सन एक्वायर इन्फेक्शन डिपेंड ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑन इन्फेक्शियस एजेंट्स, मीन्स किसी पर्सन को इन्फेक्शन लगना डिपेंड करता है जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है उसका ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट, ससेप्टिबिलिटी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्सन। ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है जो भी पर्सन है उसका इम्यूनिटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जो बैक्टीरिया को आसानी से ग्रेन कर रहा है। नेक्स्ट, ए पर्सन नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एज वेल एज नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस, मीन्स पर्सन का ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करता है पर्सन का डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, जो इन्फेक्शन से लड़ पाता है कि नहीं, उसका इम्यूनिटी कैसा है, और वो इन्फ्लुएंस इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं। ए पर्सन्स रेजिस्टेंस टू एन इन्फेक्शियस एजेंट्स इज एनहांस्ड बाई द वैक्सीन्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज। इसके साथ साथ जो पर्सन है अपना इम्यूनिटी एक्वायर करता है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, जिससे वो ए डिजीज प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको रोकता है, मीन्स बैक्टीरिया वायरस को शरीर में आने से रोकता है, उनको मारने का काम करता है। तो ये था चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। इसके अंदर हमने नेचर ऑफ इन्फेक्शन एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रीड किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद एवर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आना नर्सिंग फेल एयर प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिशन एंड प्रेस वेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।